हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक का रिव्यू लेकर आने जा रहा हूं। क्योंकि आपको तो पता ही यार, 125 होंडा सीजी 125 2024 मॉडल पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो गया है, और क्या इसकी प्राइस है और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस की गई हैं। तो क्या चेंजेस की गई हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि होंडा की प्राइस क्या है और क्या इसके अंदर चेंजेस की गई हैं। जिसका इंतज़ार था वो वाली घड़ियाँ आ गई हैं, बल्कि वो घड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा देर की आई हुई हैं, तो मैं ही लेट हो गया हूँ। तो होंडा सीजी 125 2024 मॉडल पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इसकी लुक अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यूनिक इसके ऊपर ग्राफिक्स किए गए हैं। आपको मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा हट के इसके अंदर ग्राफिक्स किए गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा कमाल के इसके ऊपर लग भी रहे हैं। और इसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हमें इसके अंदर मीटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती हैं, और इंजन भी इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और 125 सीसी आपको तो पता है इसकी डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा हमें कमाल की इसकी स्पीड भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हमें इसके चार गियर्स देखने को मिल जाते हैं। सीट की हाइट के बारे में बात कर लेते हैं तो सीट की हाइट 764 mm देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर 132 mm की देखने को मिल जाती है, और ब्लैक कलर भी इसके अंदर, इसके ऊपर भी ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के किए हुए हैं। तो अब बात करते हैं जी इसकी पेट्रोल की कैपेसिटी के बारे में, कि इसकी पेट्रोल की कैपेसिटी कितनी है। 9.2 लीटर की इसके अंदर कैपेसिटी है पेट्रोल की, और 2 लीटर की इसके अंदर रिजर्व है इसके अलावा। और अब बात करते हैं जी व्हील के बेस के बारे में। 1204 mm का इसका व्हील बेस हमें देखने को मिल जाती है। और टायर के, फ्रंट टायर के बारे में बात कर लेते हैं तो फ्रंट टायर का साइज 2.50-18 4PR के अंदर देखने को मिल जाता है। तो टायर हमें इसका बैक कितने का देखने को मिल जाता है, तो टायर इसका बैक 3.00-17 6PR के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसका ड्राई वेट हमें 100 kg देखने को मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसके अंदर ग्राफिक्स किए गए हैं। और फ्रंट पर इसके लोगो भी हमें स्टील का देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस की गई हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक ग्राफिक्स इसके ऊपर किए गए हैं। ब्लैक और रेड कलर के ऊपर तो कमाल के लगते हैं, बल्कि इसके यही दो कलर पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। और इसके हमें इंडिकेटर, हमें इसका प्लास्टिक के अलावा इसका हमें लोहे का इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाता है, और साथ में आप इसके फ्रंट मरगार्ड के ऊपर साथ में देख सकते हैं कि साथ में हमें छोटी सी इंडिकेटर लाइट भी हमें देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में, कि इसकी प्राइस कितनी है। तो इसकी प्राइस आपको पाकिस्तान की मार्केट में 2,34,900 rupees देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस इंक्रीज़ भी हुई है, लेकिन उस हिसाब से इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा कमाल की इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा कुछ इसके अंदर तब्दील किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा कमाल की बाइक तैयार की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज का रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो जिन भाइयों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।